जा, ये जीवन सबसे बड़ी चर्चा। देश की दिशा और दशा, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। बड़ी खबर, गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिजल्ट, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची भंडारा। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। गोंदिया भंडारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम आज सासाकोली पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारी चाय की चौपाल की पूरी टीम मौजूद है और हम यहाँ पे भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनाव के मतदाताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए पहुंचे हैं। 11 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जिसमें दो उम्मीदवार हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से और भाजपा की ओर से। तो यहाँ के लोग किस तरह के उम्मीदवार की उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ के हम बुजुर्ग लोगों से पहले जानेंगे। सर, 11 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, तो आप किस तरह की सरकार के बारे में सोचते हैं? हम तो मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार आना चाहिए, मोदी सरकार आना चाहिए। कांग्रेस सरकार आ रही है, मोदी के लिए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होना? नहीं, कोई नफरत है ना उससे, कोई रीजन आना चाहिए झूठ बोलने वाला इंसान जी। और कांग्रेस सरकार? सर, कांग्रेस अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार है। धन्यवाद सर। बीजेपी सरकार आना चाहिए, क्यों? मोदी का जो नेतृत्व बहुत ही अच्छा है और हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आगे चल के बहुत कुछ करने वाले हैं। और कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं? जो राहुल चेहरा है उनकी जो पता नहीं का धन्यवाद। मोदी सरकार आना चाहिए, एक वैलिड रीजन। कांग्रेस क्यों नहीं और बीजेपी क्यों? मोदी सरकार सेंट्रल में अच्छा कार्य कर रही है जी। तो आपको ऐसा लगता है कि इधर के कार्य होंगे? हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए साकोली से थोड़ा सा अगर आप इधर जाते हैं तो एक भेल प्रोजेक्ट है जो बंद पड़ा हुआ है। तो आपको ऐसा लगता है मोदी सरकार के शासन में चालू होगा? कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रल में 4 साल में तो चालू नहीं किया। नहीं, सेंट्रल में मोदी सरकार अच्छी है। नहीं, बट उन्होंने 4 साल में तो चालू नहीं किया। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्रफुल्ल पटेल सांसद थे, बीजेपी की सरकार आई तब नाना बहू सांसद थे। दोनों के वक्त में ये डिफरेंस देखा गया कि भेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि दोनों की सरकार का कार्यकाल हम लोगों ने देखा। तो बात इसकी नहीं, साकोली की नहीं, अदर में जो है सेंट्रल में मोदी सरकार अच्छा है। विकास जो हो रहा है वो पूरे देश का होना चाहिए, देश का होना चाहिए। थैंक यू सो मच। 11 तारीख को चुनाव करें, वोटिंग लेंगे। क्या सोचते आने वाली सरकार के लिए, आपका उम्मीदवार कैसा हो? हमारा उम्मीदवार सबकी भलाई चाहे, सबकी भलाई होनी चाहिए, इसमें सबका मन की जो इच्छा है उनकी पूरी होनी चाहिए, ये विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो किसको देखते हैं आप जीत के परचम में? मोदी सरकार। धन्यवाद। जीतते लोकसभा चुनाव से कुछ नहीं है, सब देश भ्रष्टाचारी के, तो वोट नहीं करेंगे? वोट करेंगे, जहाँ नहीं है वहाँ मारेंगे। धन्यवाद। वोटिंग की है इसके पहले? नहीं। पहली बार करने वाले हो? नहीं। नहीं करने वाले? नहीं, मेरी उम्र ही नहीं है। उम्र नहीं? तुमने की है वोटिंग? हाँ, वोटिंग की है, एक बार की है, एक बार की है। दूसरे अभी, तो, अभी मेरा आने वाला, अभी आने वाला है, पहली बार, पहली बार है, पहली बार वोट करोगे तो क्या सोच के वोट करोगे? कुछ नहीं मैम, जो भी करने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया है ना, इसलिए सरकार बोल रही है कि डिजिटल इंडिया में, इसलिए जो भी है नेटवर्क मार्केटिंग को ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट स्किल जो भी है बच्चों में लाना चाहेंगे, जो भी कल्चर डेवलपमेंट है वो लाना है, लाना है, सिर्फ एक ही है नेटवर्क मार्केटिंग। मोदी सरकार कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट ग्रोथ बिजनेस ऑफ द इंडिया, ये बोल रहे हैं ना जी, इसलिए हम तो नेटवर्क मार्केटिंग जो भी है, क्योंकि हमें भी नेटवर्क कर रहे हैं। तो आप किसका परचम देख सकते हैं लहराते हुए? हाँ, कौन से सरकार को जीतते हुए देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी सरकार को, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एकदम फास्टेस्ट ग्रोथ जी। कांग्रेस को ना जीतते हुए देखने के लिए कोई एक रीजन? नहीं, वैसा तो कोई रीजन नहीं है उनके लिए, कोई रीजन नहीं, जो भी है सही जी। तो आप अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, बाकी की जो युवा पीढ़ी है जो पहली बार वोट करने वाली है, उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? उनके लिए एक ही बोल रहा हूँ कि जो भी है उनके वजह से, जो
वो करना चाहते वो करेंगे, हमारा उसमें कोई नहीं है जी। जो भी बोलेंगे वही बोलेंगे, हम क्या करेंगे। कुछ नहीं, बस मुझे चुनाव में इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं पूरे देश के हिसाब से, हाँ, यानी जो देश के हित में हो, देश के हित में हो चुनाव जी। तो हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार है गोंदिया भंडारा के, वो एक पंचभूते हैं और दूसरे हैं मेंढे। हाँ, बीजेपी से मेंढे हैं और कांग्रेस से पंचभूते हैं। तो आप किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं या उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए आपके दिमाग में? छवि होगी उम्मीदवार की किस तरह का होना चाहिए? मतलब उम्मीदवार ऐसा हो राष्ट्रीय विचारों का हो, समाज को लेकर चलने वाला हो और सबके काम, जो भी कार्यकर्ता गए उनके काम करने वाला हो। और मैं तो चाहूँगा कि इस समय 2019 में मोदी सरकार ही आए, वो अभी पाँच साल हुए मोदी सरकार है, तो बहुत अच्छे काम किया, बहुत सी योजनाएं लाए और विशेष बात करके हम कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने, जो मतलब हमले किए कई बार पाकिस्तान। राहुल गांधी ने कहा है, उनका ऐसा स्टेटमेंट है कि वो जो आतंकवादी स्ट्राइक की गई और पुलवामा में जो अटैक हुआ, तो जो अलगाववादी लोग हैं उनसे वो कम्युनिकेशन करेंगे। अब उन्होंने इस चीज़ को मुद्दा बनाया हुआ है कि हम कश्मीर में आतंकवादी लोगों से बात करेंगे, अलगाववादियों से बात करेंगे, तो आपको क्या लगता है? वो राहुल गांधी की बात ही छोड़ दो, राहुल गांधी पंत प्रधान लायक आदमी नहीं है, केवल अपने भारत में मोदी ही पंत प्रधान पद के लायक है, वही इस देश को अच्छी तरह से संभाल सकता है और पूरे विश्व में भारत को एक अच्छा राष्ट्र करके खड़ा कर सकता है। दूसरा अपने देश में कोई कांग्रेस के पास में नहीं कार्यकर्ता वैसा और बीजेपी के भी पास में नहीं, हमको सबको भारतवासियों को मोदी ही चाहिए। दूसरे लोगों की बात नहीं करते, दूसरी पार्टियों की बातें नहीं करते, हम मोदी ही अच्छा कर सकता है, भारत को एक अच्छा देश बना सकता है, एक अच्छा राष्ट्र बना सकता है और इस भारतीय समाज को एक आदर्श समाज बना सकता है, क्योंकि खुद भी एक आदर्श आदमी हो, अच्छे संस्कार वाला है, वही अच्छा भारत को मतलब आगे ले जा सकता है। और कितनी अच्छी योजनाएं लाए अपने देश में, अच्छा हो करके, गरीबों का भला हो, कर्मचारियों का भला हो, सबका भला हो, काश्तकारों का भला हो करके, और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं लाए। हाँ, लोग कहते हैं कि बाई लोग सुरक्षित नहीं है, अरे कितने अच्छे कानून वगैरह बना लिया, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बना दिया है ना, तो और 12 साल के अंदर के एक आध लड़की पर कोई रेप करता है उसको जन्मठेप। हाँ, और सब अच्छा वातावरण निर्माण करके उसने काम किया है मोदी ने, तो मोदी ही होना चाहिए इस भारत देश का अच्छा कर सकता है, केवल मोदी नेतृत्व कर, वही मोदी नेतृत्व कर सकता। सर, आपने अभी इतने सारे मुझे टॉपिक्स बताए, इतने सारे मुद्दे बताए जीत के लिए, एक पर्सनल क्वेश्चन जो मैंने अभी वहीं से उनसे पूछा वो सर से, बट वो एक्सपीरियंस नहीं है शायद इसलिए बोल नहीं पाए। हमारे इस रूट पे एक भेल प्रोजेक्ट है ठीक है, जिसमें किसानों 5 साल से बंद है। हाँ, तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ, जब क्या हो गया, कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया जी, यानी यहाँ पे विकास करके रख दिया, ये अच्छी बात नहीं हुई, ये समाज के दृष्टिकोण से और रोजगार के दृष्टिकोण से वो शुरू होना जरूरी है। और प्रफुल्ल भाई ने करना था, क्यों
क्योंकि अभी भी प्रफुल्ल भाई खासदार है, राज्यसभा का मेंबर है, यानी वो अगर चाहते तो बोलकर वो चाहते तो वो कर सकते थे, वो चाहते तो हो सकता था, प्रफुल्ल भाई ने करना था क्योंकि अभी भी वो मेंबर है राज्य। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका पर्सनल इंटेंशन था इसके? ऐसी होगा, राजनीतिक मुद्दा बना डाला ये, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको इस प्रकार से राजनीतिक लोगों ने व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है हित पहले देखना चाहिए, रोजगार के बारे में देखना चाहिए, कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होने वाला था परंतु बंद होने के कारण से, बंद करने के कारण से रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो भेल प्रोजेक्ट है और वीडियोकॉन का जो प्रोजेक्ट है हमारे भंडारा क्षेत्र में, भंडारा परिसर में जो क्षेत्र है, में दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो वो प्रफुल्ल पटेल की हार के लिए कारणीभूत हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और एक है, वो जो लाखनऊ में उन्होंने गन्ने का कारखाना लाए थे, सिर्फ एक साल चला है, MIDC की जगह थी, अपने कर ले लिए, उनको सिर्फ जगह हो रहा था हाई गोबर की, चाहे MIDC हो, चाहे वो भेल हो, चाहे वो तुम्हारा कौन सा वीडियोकॉन हो, सिर्फ हाईवे की जगह उनके अंडर में, यानी उन्होंने सारी जगह हस्तगत कर लिए पर विकास नहीं किए, कुछ नहीं किए। हाँ, आज यदि चालू होते तो कईयों लोग, कईयों बच्चे वहाँ काम पे लग जाते। तो आप किस तरह का उम्मीदवार देखते हैं आने वाले चुनाव में विजेता के? देखो, नगर सेवक सुनील मेंढे है, उन्होंने भंडारे का विकास दो साल में जितना दिखा है, हा? तो वो कर सकते हैं। इसके पहले राज्य मंत्री थे नाना भाऊ पंचबूधे, आमदार भी रह चुके, उन्होंने कोई विकास नहीं किए, इसलिए BJP जाना चाहिए और BJP का काम दिख रहा है हाईवे पे। जिसका काम दिखेगा वो जीतेगा? वो दिखेगा, जीतेगा, जरूर जीतेगा, वर जीतेगा। जैसे गडकरी का वर नागपुर दिख रहा है, गडकरी साहब निकलने वाले हैं, मुझे वो नहीं बोले, मुझे और दो मेरा वर्क देखो दरअसल। बोला ना, पाकिस्तान को मोदी ही सिखा सकता है, रास्ते पर ला सकता है, दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर सिखा नहीं सकता। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को सिखाया नहीं, केवल इंदिरा गांधी ने सबक सिखाया था बांग्लादेश अलग करके। अभी मोदी उस प्रकार से अपनी योजना बनाकर उसको पाकिस्तान को सिखा सकते, दूसरा नहीं सिखा सकता, बस काम। थैंक यू। हाँ, वोटिंग तो करना ही है। करेंगे, क्या विचार है अपने उम्मीदवार को लेकर? दृष्टिकोण होता है एक सामान्य जनता का, जिसमें वो ऐसे एक प्रतिछाया बना लेता है, प्रतिरूप बना लेता है कि मेरा उम्मीदवार इस तरह का हो जो मुझे नेतृत्व करे, यानी मेरे जगह को नेतृत्व करे, वो किस तरह का होना चाहिए? बेकारी बहुत बढ़ गई, लेकिन जी एक मुद्दा है, वो एक बहुत कमजोर रहा कि बेकारी बहुत बढ़ गई, कुछ लोगों के अभी ओवरेज हो रहे हैं, अब उनको तो सर्विस लगना ही नहीं ना जी। ये सुधार नहीं बोला, थोड़ा विकास करना चाहिए। थैंक यू सर। क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में? लोकसभा चुनाव के लिए अपने BJP अच्छी है, यहाँ पे BJP सुनील भाव मिंडे आएंगे। थैंक यू सो मच। किस तरह का मत है सर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? आप लोकसभा चुनाव ये जो है विकास के आधार पर लड़ा जा रहा है, और लोग देख रहे हैं कि जो साढ़े चार साल का अभी शासन हुआ है मोदी जी का, उसमें काफ़ी विकास हुआ है, और देश की विदेश नीति पे भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है, आंतरिक परिस्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सभी तरीके से प्रोग्रेस ही है। तो ये सरकार एक विश्वास पात्र सरकार है, ऐसा जनता का विश्वास होते जा रहा है। यानी आपको ऐसा लगता है कि जो कार्यकाल में इन लोगों ने जो कार्य किया है वो पारदर्शिता से किया है? बिल्कुल बिल्कुल, पारदर्शिता का जो भी है, डिजिटल इंडिया जो है, मेक इन इंडिया है, जिससे काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, मुद्रा योजना से काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, जो रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता था, आज स्वरोजगार हो रहा है मुद्रा के वजह से। यानी मोदी सरकार सबको मालिक बनाने पे तुली है, नौकर नहीं बनाना। बिल्कुल, नौकरी सिर्फ एक ये नहीं है, कोई यानी सभी को नौकरी नहीं मिल सकती, वो कोई यानी ये नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं होती, और कैपेबिलिटी कभी कभी हो भी जाए, लेकिन
उससे वो ज़्यादा बेहतर स्वयं रोजगार में कर सकता है। खुद का रोजगार ये कभी भी एक नौकरी से ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। यानी हम ये सोच सकते हैं कि मोदी सरकार जो है वो युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, युवा पीढ़ी उसके मोदी सरकार के ऊपर पूरा विश्वास रख रही है, क्योंकि जो भी निर्णय आ रहे हैं वो एक तटस्थ निर्णय, और जिसको स्ट्रांग ये बोलेंगे अपन, वो स्ट्रांग निर्णय जो बोलते हैं वो मोदी सरकार ले पा रही है। इंडिया के ऊपर इस तरीके की बात करने वाले ये खुद की खामियां छुपाने के लिए बात करते हैं। जो खुद में जिनमें खामियां होती है वो अपनी खामियां छुपाने के लिए मीडिया पे ताशेरे निकालते हैं। मीडिया कभी भी पारदर्शिता पे ही काम करता है, और मीडिया इस तरीके से कभी ये नहीं सोचता कि कौन सी पार्टी जीतना चाहिए या कौन सी हारना चाहिए। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया जो आईना, जो पब्लिक का आईना है, जो पब्लिक चाहती है वो दिखाने की कोशिश करती है। तो ये जो सोच है किसी और पार्टियों की कि ये बीजेपी की ओर से बात करने का एक मीडिया ने ये लिया है, कि ज़्यादातर चैनल्स दिखाते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी मीडिया बीजेपी के बारे में बता रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा जनरल पब्लिक नहीं सोचती। काम की बात की जा रही है, विकास के बारे में बात की जा रही है चैनल्स के माध्यम से, और उसका लोग गलत अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो विकास हुआ है उस विकास के बारे में तो बोलेंगे ही, क्योंकि 5 साल में जो फर्क नज़र आया है, जो विदेश नीति, जो आज इंडिया की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है, इकोनॉमिक रैंकिंग है, जो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेके, जो सैनिकों के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह, उनके व्हीकल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी जो उनके लिए आई है, वो सब कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। वो सब जनता जानने लगी है कि ये सब एकदम से 5 साल में कैसे मिलने लगा, एकदम से 5 साल में सभी रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना लगा। हमारे पास का शहर है 100 किलोमीटर का नागपुर का, जिस शहर को इतना प्रोग्रेस कभी होते हुए नहीं देखा था, आज वो हेवी प्रोग्रेस पे चल रहा है। एक मार्केट भी अच्छी बढ़ रही है, व्यापारों में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा नोटबंदी के वजह से हुआ था, तकलीफ हुई थी, लेकिन वो तकलीफ वो एक सभी ने कुछ इनसिक्योरिटी फील करने की वजह से हो रही थी कि पैसे की कहीं ना कहीं कमी आ रही करके, लेकिन वो एक ट्रांजेक्शन पीरियड रहता है। वैसा कोई भी बड़ा चेंजेस में आता है तो वो ट्रांजेक्शन पीरियड में ऐसे छोटे से ड्रॉबैक्स रहते हैं, उसमें कोई जनता को फर्क ऐसा बहुत बड़ा नहीं हुआ है। व्यापारों में थोड़ा सी ये कमी आई, लेकिन वो कुछ ही 6 महीने के अंतर में निकल गई। तो इस बार किसकी सरकार? नेचुरली मोदी सरकार आएगी। थैंक यू सो मच सर। जानते हैं गुजरात में कैसा दंगा? तो गुजराती में मोदी के लिए कुछ बोलेंगे? मोदी ने गुजरात में कैसा अच्छा कर दिया? गुजराती में कुछ बोलिए मोदी के लिए। गुजरात में जो दंगा था, तूफान था, लूट था, सब बंद कर दिया। मोदी के लिए कुछ बोलेंगे गुजराती भाषा में? गुजराती में चला, गुजराती भूल गया। कोई बात नहीं। किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? तो मोदी ने जो हमारा गुजरात में काम करो ने, एवं कोई आदरणीय प्रधानमंत्री ने करो नहीं। हाँ। मोदी जो कोई प्रधानमंत्री है नहीं, एटले मोदी जे 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 काम करवानो छे ई कोई करी शके एम छे नहीं। धन्यवाद सर। कांग्रेस 70 साल से कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ने कुछ करा नहीं। मोदी ने 5 साल में वो करके बताया चमत्कार, कि जो हुआ नहीं 70 साल में वो 5 साल में करके बताया, और आगे रहेंगे तो वो करेंगे, हमको गारंटी है। मोदी आने को ना। हमने यहाँ पे साकोली में लोगों का व्यूज़ लिया, लोगों के मत जानने की कोशिश की कि लोग किस तरह अपने उम्मीदवार को देखना चाहते हैं। आगे की खबर के लिए हमसे जुड़ते रहिए, देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए